Assalamu alaikum, dear students, I will be discussing the morphology of stump. As you already know that in class we had finished with the morphology of root, so I will be discussing with the morphology of stump. The first important point regarding stump is that stump is the aerial portion of the plant. There are some students which have confusion regarding the stump and shoot. एक प्लांट का जो भी हिस्सा ज़मीन के बाहर है विच इंक्लूड्स द मेन पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड स्टम स्टम अलॉन्ग विद द ब्रांच लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एवरीथिंग विच इज़ अबव द ग्राउंड इट इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड एज शूट सिस्टम नाउ एज फार एज दिस स्टम इज़ कंसर्न इट यूजअली डेवलप्स फ्राम द प्लीम्यूल जहाँ तक सवाल है प्लीम्यूल का ये तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है प्लीम्यूल वो पार्ट एम्ब्रियो का होता है जहाँ से शूट बनता है रेडिकल वो वाला पार्ट है जहाँ से रूट बनता है Now, the next important thing, as far as stem is concerned, ये positively phototropic होता है, that means it grow towards the light source, negatively geotropic, in contrast to the root. Exceptions are there. Usually हम कहते हैं कि stem is the aerial portion of the plant, लेकिन exceptions are there. There are some stems which are underground, and these underground stems, they store food. These underground stems store food. For example, ginger, turmeric and tuber. Ginger, अगर आपको पता होगा बेटा, it is an example of rhizome that I will be discussing in future. Turmeric, हल्दी जिसको आप बोलते हैं tuber and tuber is potato. Potato देखा ही होगा, तो that is actually a tuber. Now, as far as this stem is concerned, stem के कुछ diagnostic features है जो इसको differentiate करते हैं root से. Now, stem is differentiated into nodes and internodes. Now, node वो वाला point है जहाँ से leaf arise होता है. Distance between two nodes it is called as internode. And second important diagnostic feature of this stem is that it bears buds as well as leaves. और बड कुछ नहीं होता है ये कंडेंसड शूट होता है जिसमें एक ग्रोइंग पॉइंट होता है और उसको ऊपर से प्रोटेक्शन होती है नाउ देयर आर स्टिल एक्सेप्शंस बिकॉज बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस एक्सेप्शन ये है कि रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो की अगर आप बात करोगे डेलबर्जिया की बात करोगे ये ऐसे रूट्स है जिन रूट्स के ऊपर बड्स होते हैं नॉर्मली वी से दैट देयर आर नो बड्स इन केस ऑफ रूट्स But Delbergia and sweet potato, जिसका botanical name है Ipomea batatus, इसके ऊपर buds होते हैं Now let's discuss the next one, that is forms of stem. जहाँ तक सवाल है forms of stems की दो types of stem पाए जाते हैं एक type of stem होता है जो erect होता है That means which is usually like this, a stem which is usually erect. Now there are some stems which are weak And when they are weak, they are prostrate. That means a stem which is grows horizontally over the surface of soil. जैसे मेरे पास अब मेरे हाथ में ये पेन है अगर ये पेन मैं ऐसे वर्टिकल पोजिशन में रखता हूँ वी कॉल्ड इट एज वर्टिकल स्टम अगर इसको ऐसे इफ आई विल कीप दिस पेन लाइक दिस नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टम चलो बात करते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग स्टम या इरेक्ट स्टम्स की इट्स ऑफ टू टाइप्स एक टाइप ऑफ स्टम होता है कॉडेक्स या कॉलमनर और कॉडेक्स और कॉलमनर वो वाला स्टम है इट इज़ दैट टाइप ऑफ स्टम इन विच वी हैव एन अनब्रांच्ड स्टम आप इस स्टम को देखिए कोई भी लेटरल ब्रांच नहीं है बट देयर इज अ क्राउन ऑफ लीव्स एट द टॉप देयर इज अ क्राउन ऑफ लीव्स एट द टॉप कोकोनट का ट्री आपने देखा होगा गूगल से आप सर्च कर सकते हो साइकस इट इज़ ए जिम्नोस्पर्म डेट पाम खजूर का ट्री अगर आपने देखा होगा एक ऐसे ट्रीज है जिनमें मेन एक्सीज जो होती है अनब्रांचड होती है एंड देयर इज अ क्राउन ऑफ लीव्स एट द टॉप लेकिन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टम इट इज़ कॉल्ड एज कलम और अगर आपने कलम हम यूजुअली हम बैम्बू के स्टम को कलम कहते हैं नाउ बैम्बू का जो स्टम होता है जिससे सीढ़ियाँ बनाते हैं इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टेयर्स नाउ कलम एक ऐसा स्टम है जिसमें नोड्स जो होते हैं दे आर सॉलिड बट इंटरनोड्स आर हॉलो
कभी जाके देखना बेटा आप लोग बैम्बू का स्टम, उसको ध्यान से देखना, इसका जो नोड होगा दैट विल बी सॉलिड, और बाकी जो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स जिसको आप इंटर नोड बोलते हैं, आई राइट हियर आई एन एंड इंटर नोड इज द हॉलो, इट इज सिमिलरली मेज का स्टम जो होता है इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलम. देर इज अनदर कैटेगरी ऑफ स्टम दैट इज कॉल्ड एज एक्स करंट. एक्स करंट वो वाला स्टम है, एक ऐसा टाइप ऑफ स्टम जिसमें शूट सिस्टम या स्टम जिसमें कोन शेप्ड अपियरेंस होगा. एंड कोन शेप्ड अपियरेंस एक प्लांट में तब आएगा जब एक प्लांट में ब्रांच का ऑर्डर होगा एक्रोपीटल. एंड एक्रोपीटल आई हैव डिस्कस्ड इन द क्लास कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें ओल्डेस्ट एट द बेस एंड यंगेस्ट एट द टिप. अगर ये ब्रांच, अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम दैट दीज आर द ब्रांच, दिस इज ब्रांच नंबर 1, 2, 3 एंड 4. सबसे पुरानी वाली जो ब्रांच है इट इज़ ब्रांच नंबर 1, और लेटेस्ट वाली जो ब्रांच है इट इज़ ब्रांच नंबर 4. सो दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग गिव्स अ कोन शेप्ड अपेरेंस, इट इज़ कॉल्ड एज एक्स करंट स्टम. नाउ देर इज एन अदर टाइप ऑफ स्टम दैट इज कॉल्ड एज डेलिक्यूसेंट, और डेलिक्यूसेंट स्टम एक ऐसा स्टम है जिसमें प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग है. एंड व्हेन देयर इज अ प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इट गिव्स अ डोम शेप्ड अपेरेंस. कोई भी ट्री आप देखेंगे जिसमें डोम शेप्ड अपियरेंस है, दैट टाइप ऑफ स्टम इट इज़ कॉल्ड एज डेलिक्यूसेंट. नाउ दिस इज ऑल रिगार्डिंग द फॉर्म्स ऑफ स्टम. नाउ एज फार एज द मॉडिफिकेशन, स्टम मॉडिफिकेशन आर कंसर्न, आपको बेटा याद होगा जब मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट पढ़ाया तो उसके बाद हमने रूट की मॉडिफिकेशंस पढ़ी, टैप रूट मॉडिफिकेशन, एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन. इन द सेम वे व्हेन आई डिस्कस द स्टम, आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टम पता है, तो अगर आप आपने थोड़ा सा आपको स्किप हो गया तो मैं आपको एक थोड़ा सा रिविजन कराता हूँ यहाँ स्टम के बारे में. इट इज़ द एरियल पोर्शन और एबो ग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट. इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इंटू नोड्स एंड इंटर नोड्स. स्टम के ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लीव्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्टम है इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लिम्यूल. एंड बिसाइड्स दैट वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ स्टम लाइक कॉडेक्स, कॉलमनर. नाउ दिस इज ऑल रिगार्डिंग द फॉर्म्स ऑफ स्टम. देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ स्टम दैट इज़ कॉल्ड एज वीक स्टम. सो बात करते हैं बेटा वीक स्टम्स के बारे में. सो जहाँ तक सवाल है बेटा वीक स्टम का, ये वो वाला स्टम है जो प्रोस्टेट ओवर द ग्राउंड होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. नाउ दिस वीक स्टम इज ऑफ थ्री टाइप्स, इट कैन बी ट्रेलर, इट कैन बी क्रीपर, इट कैन बी क्लाइंबर. नाउ एज फार एज द ट्रेलर्स एंड क्रीपर्स आर कंसर्न, बात ध्यान से सुना बेटा, ट्रेलर्स और क्रीपर्स जो होते हैं बोथ आर द हॉरिजॉन्टल स्टम, देर इज ओनली वन डिफरेंस. एज फार एज दीज क्रीपर्स आर कंसर्न, इन केस ऑफ क्रीपर्स देर आर एडवेंटिशियस रूट्स एट द नोड्स. लेकिन जहाँ तक ट्रेलर्स का सवाल है, ट्रेलर्स आर एक्चुअली क्रीपर्स बट देर आर नो रूट्स एट द नोड्स. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेलर एंड क्रीपर. क्रीपर का जो स्टम होता है हॉरिजॉन्टल होता है, और इस हॉरिजॉन्टल स्टम के ऊपर क्या होते हैं, ये जो नोड है, दिस वन इज़ द नोड, दिस वन इज़ द नोड एंड, और इस नोड के ऊपर नीचे से क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट्स. देर आर नो रूट्स इन केस ऑफ ट्रेलर्स. सो वी कैन से ट्रेलर्स आर एक्चुअली क्रीपर्स बट दे आर विदाउट रूट्स एट द नोड्स. एंड देयर इज एन अदर कैटेगरी दैट्स दिस कैटेगरी ऑफ स्टम, इट इज़ कॉल्ड क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स वो वाले प्लांट्स है जो क्लाइंब करते हैं बाय मीन्स ऑफ सम स्ट्रक्चरल सपोर्ट और बाय द डेवलपमेंट ऑफ सम स्ट्रक्चर्स. कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं जो कॉइल होते हैं अराउंड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और वो क्लाइंबिंग में मदद करते हैं. नाउ समटाइम्स दे फॉर्म हुक्स, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बोगनवीला. समटाइम्स दे फॉर्म टेंड्रिल्स, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वाइल्ड पी. हेंस दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ स्टम. And now we discussed the aerial stem, erect stem, we discussed the weak stem. Now, इसके बाद बेटा बात करते हैं stem modifications की. जहाँ तक सवाल है stem modifications का, so broadly classified, they have been classified into three groups. One types of modification, they are underground, so we call them as underground stem modification. Another type of modifications, they are sub-aerial. And the third type of modification, it is called as aerial. Now, in the second lecture, we'll discuss the stem modifications.